हेलो एवरीवन, आई एम नृपेंद्र यादव, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। यूएस डॉलर इंडेक्स 20 इयर्स की ऊंचाई पर पहुंच चुका है और लास्ट वीक में यूएस इकोनॉमी से जारी होने वाले डेटा भी फोरकास्ट से बेहतर दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में लगातार लास्ट वीक में दबाव देखने को मिला है। लेकिन इस लेवल्स पर इस वीक के लिए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ओवरसोल्ड नजर आ रहे हैं और यहां से एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इनमें अपसाइड लिमिटेड रहने की संभावना है। इस वीक के लिए यूएस इन्फ्लेशन के डेटा के साथ पीपीआई, रिटेल सेल्स और कंज्यूमर सेंटीमेंट के डेटा गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। गोल्ड में 50,000 पर सपोर्ट है, वहीं 51,300 पर इसका रेजिस्टेंस है। सिल्वर में 56,000 पर सपोर्ट है और 58,300 पर इसका रेजिस्टेंस है। लास्ट वीक क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे इसकी कीमतों में दबाव बना रहा और इस वीक के लिए चाइना से जारी होने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 7600 से लेकर के 8700 की रेंज में ही इस वीक इसकी कीमतें चलते दिखाई दे रही है। वहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस में ऊपरी लेवल से इस वीक सेलिंग का दबाव देखने को मिल सकता है। 550 पर नेचुरल गैस का रेजिस्टेंस है, वहीं 440 पर इसका सपोर्ट है। इस वीक चाइना से जारी होने वाले जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा बेस मेटल्स के प्राइसेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। वहीं चाइना द्वारा अपनी जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलस पैकेज देने की संभावना बेस मेटल्स की कीमतों को सपोर्ट कर सकती है। इस वीक बेस मेटल्स की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है और कॉपर में 625 पर सपोर्ट है और 680 पर इसका रेजिस्टेंस है। जिंक में 265 पर सपोर्ट और 300 पर रेजिस्टेंस है, जबकि एल्यूमिनियम में 200 पर सपोर्ट और 221 पर इसका रेजिस्टेंस है। चाइना की ओर से स्टेट रिजर्व के लिए कॉटन परचेस की खबरें कॉटन की कीमतों को लोअर रेंज पर सपोर्ट कर सकती है और एक अपसाइड का मूव इस वीक के लिए इसमें दिखा सकती है। कॉटन में 40,000 पर सपोर्ट है, वहीं 44,000 पर इसका रेजिस्टेंस है। इस वीक के लिए कमोडिटी मार्केट के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।